टू indiapat.com। फ्रेंड्स, जैसा कि आप जानते हैं, बीपीएससी ने असिस्टेंट इंजीनियर के 02/2017 जो सिविल इंजीनियरिंग का पोस्ट था उसके लिए कल रिजल्ट निकाला था। तो आज जो है उस एक और नोटिफिकेशन निकाला है, उसमें क्लैरिफिकेशन दिया है ये कट ऑफ से रिलेटेड। तो इस वीडियो में मैं आपको इसी बारे में बताने वाला हूँ। आप ये चैनल जरूर सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि आपको इस तरह की रेगुलर वीडियोस मिलती रहेंगी, बीपीएससी से रिलेटेड सारे वीडियोस मिलेंगी और स्टडी मटेरियल्स भी मिलता रहेगा, सहित उसके अलावा और भी एग्जाम से रिलेटेड सारी जानकारी आपको मिलती रहेगी। तो ये चैनल जरूर सब्सक्राइब कर लें। सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को प्रेस करें और सारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर फॉलो करें, क्योंकि सभी जगह से आपको जानकारी मिलती रहेगी। तो उसके बाद चलते हैं और इस नोटिफिकेशन को देखते हैं। तो आप देख सकते हैं ये पूरा नोटिफिकेशन है, जिसको बीपीएससी के वेबसाइट से भी डाउनलोड किया जा सकता है और मैं लिंक में अपनी वेबसाइट पे भी, इंडियापट के वेबसाइट पे भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे रहा हूँ, जहां से आप जाके डाउनलोड कर सकते हैं नोटिफिकेशन को। तो इस देखते हैं इस क्लैरिफिकेशन में क्या है। तो ये जो क्लैरिफिकेशन है वो कट ऑफ से रिलेटेड क्लैरिफिकेशन है। आप देख रहे हैं कि बीपीएससी ने निकाला है, तो इसमें दिया है कि दिनांक, मतलब कि कल का जो डेट था 30 जनवरी 2019 को, विज्ञापन संख्या 2/2017 में असिस्टेंट इंजीनियर जो सिविल इंजीनियरिंग का था उसका प्री का जो प्रतियोगिता परीक्षा का परीक्षा फल जो रिजल्ट आया था उसमें अंकित कट ऑफ अंक के संबंध में स्पष्टीकरण है। तो कट ऑफ जो है उसका जो क्लैरिफिकेशन दिया है, तो यहाँ पर दिया है कि जो असिस्टेंट इंजीनियर का जो एग्जाम था जो 30 जनवरी 2019 को रिजल्ट घोषित किया गया था, इसमें आरक्षण कोटिवार, मतलब कि इसमें जो भी रिजर्वेशन से जो कैंडिडेट्स आए थे उनके लिए भी यहाँ पर कट ऑफ जारी किया गया था। तो उससे रिलेटेड क्लैरिफिकेशन है, जिसमें दिया एक्सट्रीमली बैकवर्ड क्लास जिसका कोड 04 था, उसके में स्पष्ट करना है, क्लैरिफाई करना है कि उसके उस कैटेगरी में जितने कैंडिडेट्स चाहिए थे उसके 10 गुना कैंडिडेट्स नहीं मिल पाए। तो यहाँ पर दिया है कि उपलब्ध नहीं हो पाए के कारण दो निशक्त, मतलब जो डिसेबिलिटी वाले कैंडिडेट्स हैं उनको शामिल किया गया है। तो उसके अनुसार टोटल 999 जो है सक्सेस, मतलब जो क्लियर कर पाए हैं प्री ईबीसी कैटेगरी में, उसके बारे में दिया है। उसमें दो कैंडिडेट्स हैं जिनको, जो कि डिसेबिलिटी वाले कैंडिडेट्स हैं, उनको शामिल किया गया। तो यहाँ पर दिया है कि कुल 999 कैंडिडेट्स हैं जिनको शामिल किया गया है ये सेलेक्टेड में मेंस के लिए। उसमें दो कैंडिडेट जो डिसेबल्ड वाले हैं उनका मार्क्स 49 और 48 है, उनको शामिल किया गया, जिसके कारण कि जो रिजल्ट आया है और उसमें कट ऑफ आया है उसमें ईबीसी कैटेगरी का, उसमें कट ऑफ 48 लिखा गया है, जबकि ये 48 नहीं था, लेकिन नंबर ऑफ कैंडिडेट्स कम थे इसलिए 48 लिखा गया है। इसमें दिया है कि अगर उसको हटा दिया जाए, दो डिसेबिलिटी वाले कैंडिडेट्स को हटा दिया जाए, तो उसका कट ऑफ जो है वो 50 है। और यहाँ पर दिया है कि टोटल इसमें 4 क्वेश्चन को कैंसिल किया गया था, तो 146 क्वेश्चन के अनुसार मार्किंग किया गया है। तो उसके अनुसार ईबीसी कैटेगरी के लिए जो है 34% था आपको मिनिमम लाना, तो उसके अनुसार 49.64 मार्क्स हो रहा था। तो लेकिन कैंडिडेट्स कम होने के कारण दो डिसेबल कैंडिडेट्स को इसमें इंक्लूड किया गया है, और दिया है कि बाकी के कट ऑफ यहाँ पर सेम बने रहेंगे। तो इस नोटिस से आपको एक चीज और ध्यान देने का है, ये जो 999 जो 10 गुनी वाला ये जो लिखा है यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर जो लिखा है इसका मतलब कि हर कैटेगरी से 10 × 10 कर दीजिए उतने कैंडिडेट्स को मेंस के लिए बुलाया गया है। तो ये बहुत ही ध्यान देने वाली बात है। तो उसमें से 10 में से अब 1:10 का रेशियो हो जाएगा, मतलब 10:1 का रेशियो हो जाएगा, जिसमें आपको 10 में से 1 कैंडिडेट ही फाइनल सेलेक्ट होगा। अभी इंटरव्यू के लिए देखना है, या तो 3:1 या 4:1 का ही रेशियो होना चाहिए, इस तरह से सेलेक्ट होंगे। तो इस तरह से आप देखें तो प्रीवियस जो कल जो रिजल्ट आया था उसमें आपको कैटेगरी वाइज यहाँ पर कट ऑफ मार्क्स दिया था, जहाँ पर अनरिजर्व का 66 था, अनरिजर्व फीमेल का 47, एससी का 47, एसटी का 54, ईबीसी का 48, बीसी का 56 और डिसेबल का 47 कट ऑफ था। तो यहाँ पर उसी के अनुसार यहाँ पर ये नोटिफिकेशन जारी करके क्लैरिफिकेशन दिया गया है। तो इस वीडियो में आपको इतना ही, और ये ध्यान दीजिए ये सब जो नोटिफिकेशन आएंगे ये सब हम लेटेस्ट आप तक पहुंचाते रहेंगे। इसके लिए आप चैनल जरूर सब्सक्राइब कर लें, अपने सारे दोस्तों से बोलें इस चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए, सारे वीडियो सभी जगह शेयर कर दें ये, और वीडियो अच्छा लगा हो तो कोई लाइक करें, कुछ सवाल हो तो कमेंट करें,
और आप चैनल सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को जरूर प्रेस करें ताकि आप तक रेगुलर नोटिफिकेशन पहुंचती रहे। और चैनल के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक्स चेक करें, वहां पर से आप जाके सभी जगह हमें फॉलो कर सकते हैं और ये नोटिफिकेशन भी डाउनलोड कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स मिलते हैं अब अगले वीडियो में आपको और भी अच्छे कंटेंट के साथ। तो बाय बाय, मिलते हैं अगले वीडियो में।